बाड़मेर का सिंधरी चौराहा उस वक्त चर्चा में आया जब वहां पर एक युवक और युवती ने देर रात हंगामा मचा दिया और एक कैंपर गाड़ी से टक्कर मारकर एक युवक को घायल भी कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार देर रात को सिंधरी चौराहे पर शराब ठेके के पास एक युवक और युवती कैंपर गाड़ी में आए और तेज गति से गाड़ी को भगाने लगे। इससे कुछ बाइकें जो है वहां जो खड़ी थी वो क्षतिग्रस्त हुई। घटना की जानकारी मिलने पर डीएसपी रमेश शर्मा मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का इस दौरान उन्होंने पूरा जायजा लिया। डीएसपी ने बताया कि आरोपी देवाराम पुत्र गोरखाराम निवासी साइयों का तलाहाल निवासी जो है वो रामनगर ने उस व्यक्ति ने तेज गति से कैंपर गाड़ी चलाते हुए एक व्यक्ति मनोज जो कि पुत्र है मेगाराम ये निवासी है भियाड़ के उन पर गाड़ी चढ़ा दी और इससे मनोज घायल हो गया। पुलिस ने आरोपी को पकड़ा है और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में एक युवती भी सामने नजर आ रही है। युवती की तलाश कर रहे हैं हालांकि पुलिस अधिकारियों का कहना है कि युवती की तलाश अभी भी जारी है। डीएसपी शर्मा ने बताया कि घटना के दौरान कुछ और भी लोग चोटिल हुए हैं और दुपहिया वाहन भी इस दौरान क्षतिग्रस्त हुए हैं। वीडियो में युवक से हाथापाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं युवक युवती जो हाथापाई करते हुए साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में युवक और युवती एक युवक के साथ हाथापाई करते हुए नजर आ रहे हैं। युवक के हाथों में लाठी छीनने के प्रयास में युवती गालियां दे रही है और युवक दौड़कर गाड़ी की तरफ जाता दिखाई दे रहा है। इस दौरान घटनास्थल पर लोगों की जबरदस्त भीड़ भी नजर आ रही है।